कुछ लोग उसको करने की इच्छा रखते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो आप लोगों की इच्छा है, आप अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए। मैं मानता हूँ अगर आप शनिवार को, शनिवार ही है ना, शनिवार की शाम को अगर आप अपने करियर को लेकर के यहाँ पर नई जगह पे आते हैं, ना कुछ वक्त बिताते हैं, वेट करते हैं लोगों का, तो निश्चित तौर पे आपने एक निर्णय तो ले लिया कि आपको कुछ करना है। तो अब क्योंकि आप इस लेवल में हैं तो मैं मानता हूँ कि अपन इंटरेक्ट करें तो बेटर रहेगा, अगर मैं बैठूँगा तो पीछे नहीं दिखेगी। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, आपके कुछ प्रश्न में पढ़ रहा था, यहीं से शुरू कर दो, इन्हीं प्रश्नों से शुरू कर देते हैं। पहला है कि इज इट कंपलसरी टू रीड हिंदू न्यूज़पेपर और वी कैन गो थ्रू लोकल न्यूज़पेपर लाइक नवभारत पत्रिका। जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो आपको मुद्दे की बात पता होनी चाहिए, और मुद्दे की बात क्या है ये आपका खुद का विवेक ही आपको बता सकता है। और मेरा जैसे लोग कई लोग मुझसे इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, भाई कोचिंग नहीं होगी तो क्या होगा, कि अगर किसी प्रकार की या किसी प्रकार की आपको कमी होगी मटेरियल संसाधन की तो कैसे आप पढ़ेंगे, वो सवाल का उत्तर मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास सारे संसाधन थे, ये मैं आपको ऑनेस्टली बता सकता हूँ। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि जब मैंने IPS निकाला था उस समय मैं साथ ही में काम भी कर रहा था, फुल टाइम ऑलमोस्ट काम कर रहा था, तो इसलिए उसमें फुल टाइम काम करते हुए भी समय निकालना और कैसे अपन टारगेट कर सकते हैं उस चीज़ पर मैं बता सकता हूँ आपको। तो जैसे जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसकी एक खास बात यह है कि वो फालतू की न्यूज़ कम देता है, जो लोकल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ है उसको कम देता है। जनरली न्यूज़पेपर्स में एक चीज़ देखी गई है कि जितना बड़ा उसका कंटेंट आपको जो सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा वो जनरली 90% ऑफ द टाइम वो यूज़फुल आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से नहीं होता है। अब हो सकता है कि ये जैसे कर्नाटका चुनाव चल रहे हैं, हो सकता है कुछ पेपर आधा से ज़्यादा कर्नाटका चुनाव पर ही रहे, लेकिन आपके लिए बस एक बेसिक उसके फैक्ट्स जानना, उसके संबंध में जरूर जानना, कॉन्स्टिट्यूशन जानना और बेसिक अपने को क्या काम आ सकता है ये अपने को जज करना है। हिंदू एक अच्छी चॉइस है, बट हिंदू अच्छी चॉइस इसलिए भी है क्योंकि उसका थोड़ा लेफ्टिस्ट बायस है और लेफ्टिस्ट बायस जनरली UPSC में अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि आपको प्रो पुअर और ये जो लेफ्ट की धारणा है अगर उसको आप बैलेंस कर पाए राइट की धारणा से तो जनरली एक अच्छा परस्पेक्टिव ओवरऑल बन जाता है। तो हिंदू एक अच्छा चॉइस है, इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छी चॉइस है, इकोनॉमिक टाइम्स भी अच्छा है, नवभारत पत्रिका भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये देख लीजिएगा कि कई बार नवभारत पत्रिका में न्यूज़ तो सारी होगी जो हिंदू में, लेकिन हो सकता है हिंदू उसकी महत्वता समझता है, उसको बड़ा छापे उसी चीज़ को, हो सकता है किसी कोई पेपर छोटा छापे, तो वो आपको अपना विवेक काम में लेना है।